हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड से बने हुए साई टोस्ट। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, चीनी, केसर, इलायची पाउडर, बादाम कटे हुए, दूध और पानी। अब हम इसके साइड से कट कर लेते हैं। देखिए, इसे आप चारों तरफ से किनारे निकाल दीजिए। और इसे ऐसे तिकोने भाग में कट कर लीजिए। देखिए, हमने सारी ब्रेडों को ऐसे तिकोने शेप में कट कर लिया है। अब हम चाशनी बनाते हैं। इसके लिए एक पैन में एक कप पानी, दो कटोरी चीनी मिक्स कर देते हैं। हमें एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है। एक दूसरे पैन पे हम दूध ले लेते हैं। ये हम रबड़ी के लिए ले रहे हैं। इसे गर्म करने के लिए रख देते हैं जब तक कि ये दूध एक चौथाई कप ना हो जाए। देखिए, अब ये चाशनी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ी सी केसर ऐड कर देंगे। इसको थोड़े देर और पकने देते हैं, फिर ये चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। हम इस चाशनी को थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। अब ये हो चुकी है, इसे हम बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। देखिए, अब दूध भी पक चुका है। अब इस पे हम थोड़ी सी केसर ऐड कर देते हैं ताकि बढ़िया कलर आ जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा टेस्ट के लिए है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें घी डालेंगे। आप तेल का भी यूज कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा गर्म होने दीजिए और अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कीजिए। आप गैस की आंच मीडियम ही रखें। देखिए, अब आप बहुत सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ऐसे करके आप सारे ब्रेड के टुकड़ों को निकाल। देखिए, हमारी रबड़ी भी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे। देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसे हम चाशनी के अंदर एक एक करके डाल देंगे। आप इसे आधे से एक मिनट के लिए ऐसे ही रख दें और फिर इसे निकाल लें ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छी तरह से चली जाए। अब हम इस रबड़ी को इसके ऊपर डेकोरेशन कर देंगे। अब इसके ऊपर बादाम के टुकड़े से सर्व कर देंगे।